ये सारा चीज मुख्यमंत्री क्रिएट किया इसीलिए ना बोलना पड़ रहा है। अगर मुख्यमंत्री ये आंदोलनकारी को सम्मान देते तो आज ये नौबत नहीं आता, और आज ये सारा का सारा जिम्मेवारी मुख्यमंत्री पर है। हर मंच से आदिवासियों की आवाज़ बुलंद करते हैं और आप कहते हैं आदिवासी विरोधी है हेमंत सोरेन, ऐसा कैसे? विरोधी है वो तो हर मंच से आदिवासी। मैं बोल रहा हूँ ये हेमंत सोरेन आदिवासी मूलवासी विरोधी है, क्योंकि उन्होंने आदिवासी मूलवासी को यहाँ से ठगा है। उन्होंने आश्वासन दिया था, लालच दिया था, भरोसा दिया था और लोगों को विश्वास भी रहा था, इसीलिए लोग दिल खोल के नारा लगाया अब की बार हेमंत सरकार, अब की बार हेमंत सरकार लगाया, सरकार बनी भी, लेकिन ये सब की कहाँ हो रहा है, इसीलिए बोलना पड़ रहा। हम तो बोलेंगे, वो लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन हम तो जनप्रतिनिधि, मैं एक विधायक हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक होने के नाते भी हमको बोलना पड़ रहा है, चूंकि हम एक विधायक हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं। आज नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे, फिर अगर नहीं बोलेंगे तो क्षेत्र की जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा। बरसों आंदोलन के बाद झारखंड अलग हुआ, अलग होने गठन होने के बाद आप 23 साल बीत गए, बिल्कुल, फिर भी आंदोलनकारियों को जो न्याय था नहीं मिला, क्या करेंगे आगे आप उसके लेकर? जब लड़ाई लड़कर राज लिए तो लड़ाई लड़कर के अधिकार लेंगे अपनी सरकार से। अब तो शर्म की बात है कि अपनी सरकार में जिस पर हमारा भरोसा था अपनी सरकार में हमको भीख मांगना पड़ रहा है, इसमें तो शर्म आनी चाहिए हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि हमारे लोग दर दर के ठोकर खा रहे हैं और यहाँ स्वतंत्रता बने जो आंदोलनकारी को सम्मान के लिए वो भीख मांग रहे हैं। खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।